जो आदमी खुद की जिम्मेदारी खुद उठाने का वो रखता है ना, वो आदमी है ना अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों इस जिंदगी में ना दो ही तरीके के लोग होते हैं, एक वो नेगेटिव लोग होते हैं जिनसे आपको बच के रहना है। ये नेगेटिव लोग है ना अपने काम का भार है ना खुद नहीं संभालते, उल्टा अगर कुछ गलत हो जाए ना उस काम में तो उसकी जिम्मेदारी तक दूसरों पे थोप देते हैं। इन्हीं लोगों से है ना बच के रहना, इनके हैबिटों को अपनी हैबिट में नहीं लाना, आपको इनके जैसे बिल्कुल भी नहीं बनना, बल्कि आपको है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन बनना है जो अपनी जिम्मेदारी को समझे और जिम्मेदारी के हिसाब से काम करे। दोस्तों जिनको जिंदगी में वास्तव में कुछ करना होता है ना और वास्तव में सफलता को हासिल करना होता है, वो है ना अपनी ये सब चीजें है ना किसी और के ऊपर अपना बिगड़ा हुआ काम का जिम्मेदारी है ना किसी और के ऊपर नहीं समझते, वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। अगर गलती हुई है, असफलता मिली है, उस असफलता से उस गलती से है ना सीख लेते हैं, बजाय ये कि किसी के ऊपर थोप दो। घर परिवार माता पिता किसी के ऊपर भी रिश्तेदार किसी के ऊपर भी ब्लेम नहीं करते, वो उस जिम्मेदारी को खुद मानते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, उससे सीख लेते हैं और जिंदगी में ना उसको सुधार के आगे बढ़ते हैं। तो आपको है ना उन्हीं पॉजिटिव पर्सनों की गिनती में आना दोस्तों, क्योंकि आप जब उन पॉजिटिविटी उठाना सीख लोगे ना तो समझ लो कि आपने ना जिंदगी में हर काम उठाना सीख लिया। सबसे पहला मेहनत सबसे हार्डवर्क है ना इसी काम में है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी और आपने उसी हिसाब से काम किया। आप किसी भी फील्ड में उतर जाओ दोस्तों आपको ना इस जिम्मेदारी को तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जिम्मेदारी है जो आपको ना वहां तक लेके जाएगी, ये जिम्मेदारी है जो अभी आपके आराम में खलल डालेगी। लेकिन याद रखना दोस्त, ये अभी आराम में खलल डालेगी लेकिन उस टाइम के आराम के लिए आपके रास्ते ना खोल के रख देगी। तो बस मेरा कहना तो यही है दोस्तों कि बस अपने काम है ना अपने काम में ऐसे घुस जाओ, अपनी जिम्मेदारी को ऐसे जकड़ लो अपने आप पे कि कोई दूसरी चीज आप पे हावी नहीं हो पावे सिवाय जिम्मेदारियों के और सिवाय अपने टारगेट के। तो बस कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और मिलते हैं दोस्तों ऐसे नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो में।